हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था बैंगलोर में। और फर्स्टली आपको बताना चाहता हूँ कि ये इवेंट में बहुत सारे बड़े बड़े डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, टेक क्रिएटर्स, गेमर्स, उन लोगों को इन्वाइट किया था बैंगलोर में। और मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ऑफलाइन इवेंट रहेगा सैमसंग की तरफ से आफ्टर द लॉकडाउन। तो काफी इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स सैमसंग ने लॉन्च किए हुए। तो आज के वीडियो में हम लोग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद में वो लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे। और वो लैपटॉप का वीडियो, उसका लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना जैसे मैं उसको अपलोड कर लूंगा। चलिए बात करते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स के बारे में। तो क्या क्या यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है सैमसंग के स्मार्टफोन्स की बोल रहा हूँ, एस लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीन मॉडल्स S23 सीरीज में उन लोगों ने लॉन्च किए हुए। सबसे पहला जो है वो S23, फिर S23 प्लस एंड S23 अल्ट्रा लॉन्च किया हुआ है। S23 एंड S23 प्लस के बारे में बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर या आइडेंटिकल बोल सकते हैं, हालांकि कुछ डिफरेंस है इनमें, जैसे कि प्राइस, बैटरी एंड डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज की बात करें तो S23 6.1, S23 प्लस 6.6 एंड अल्ट्रा जो है वो 6.8 इंच के डिस्प्ले के साथ में आएगा। और प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग मॉडल जो है S23 का वो 80,000 मतलब 79,999 का बताया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। और जो प्लस मॉडल है 94,999 का है। और अल्ट्रा सीरीज जो है वो 124,999 से स्टार्ट होगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो S23 3,900 और S23 प्लस 4,700 एंड S23 अल्ट्रा 5,000 mAh बैटरी के साथ में आने वाला है। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया आ गया होगा कि क्या तीनों मॉडल्स में डिफरेंस है। अभी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो S23 जो है उसके अंदर आपको स्टार्टिंग जो स्टोरेज मिलेगा वो 8/128 GB से मिलेगा। प्लस सीरीज में आपको 8/256 GB से मिलेगा। और अल्ट्रा सीरीज जो है उसके अंदर 12/256 GB से स्टोरेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और कलर्स की बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये सारे कलर्स आपको अलग अलग मॉडल्स में मिलने वाला है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, S23 जो है उसके अंदर चार कलर्स हैं, क्रीम, फैंटम ब्लैक, ग्रीन एंड लेवेंडर। और प्लस में क्रीम एंड फैंटम ब्लैक आएगा। और अल्ट्रा में आपको क्रीम, फैंटम ब्लैक एंड ग्रीन भी आने वाला है। ऑल द थ्री फोन्स में आपको क्या क्या चीजें सिमिलर मिलने वाले हैं, सबसे पहले तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट सारे मॉडल्स में मिलने वाला है। और ये फर्स्ट इन द मार्केट है, जो कि आपको फ्रंट एंड बैक साइड में ये सारे मॉडल्स में मिलने वाले हैं। और सो इनके जो फ्रेम्स रहने वाले हैं वो एल्युमिनियम फ्रेम होने वाले हैं। इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले क्वालकॉम का 3D सोनिक सेंसर Gen 2, जो कि फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ऑल्सो यहाँ पे सैमसंग ने अपना खुद का प्रोसेसर उसको डिच कर दिया है, जो कि है एक्सिनोस। और यहाँ पे लाया हुआ है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। और सैमसंग का ये कहना है कि ये प्रोसेसर को उन लोग ने अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड या फिर ट्विकिंग किया हुआ है, जिसके वजह से उनका ये कहना है कि अदर स्मार्टफोन ब्रांड जब ये प्रोसेसर्स को यूज़ करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस कंपेयर टू सैमसंग काफ़ी बेटर सैमसंग का होने वाला है, क्योंकि इन लोग ने पर्सनलाइज्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे किया हुआ है। सारे स्मार्टफोन्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। विथ S23 एंड S23 प्लस में आपको 2340x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। और अल्ट्रा सीरीज में 3088x1440 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा। सारे मॉडल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 120Hz का डिस्प्ले रेजोल्यूशन है विथ अप टू 1750 nits का पीक ब्राइटनेस। अभी आते हैं कैमरास की तरफ। तो अल्ट्रा सीरीज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, हालांकि सारे मॉडल्स में आपको एक बता देता हूं कि मेजरली ट्रिपल कैमरास है, पर अल्ट्रा सीरीज में आपको दो कैमरा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब 10-10 megapixel के दो कैमरा है, जो कि टेलीफोटोग्राफी के लिए यूजफुल होने वाला है। यहाँ पे आप एस्ट्रोफोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। जो प्राइमरी कैमरा है अल्ट्रा सीरीज में वो 200 megapixel का दिया हुआ है, और 12 megapixel का अल्ट्रा वाइड 10-10 megapixel के कैमरे है, जो टेलीफोटोग्राफी के लिए यूज होने वाले हैं। तो ऐसे क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे S23 अल्ट्रा में दिखाई देने वाला है। और S23 एंड S23 प्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि वाइड लेंस के साथ आने वाला है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस ये दोनों मॉडल्स में आपको मिलने वाला है। और सारे जो स्मार्टफोन से S23 सीरीज में उसमें आप 8K वीडियोग्राफी कर सकते हैं एट 30 FPS एंड 4K वीडियोग्राफी एट 60 FPS विथ रियर कैमरा।
सारे मॉडल्स में आपको IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिलने वाला है। अल्ट्रा सीरीज में एस पेन का एडिशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। ऑल्सो एडिशनल कैमरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्लीन प्रीव्यू HDMI डिस्प्ले मोड भी दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप एक्सटर्नल HDMI पोर्ट से स्क्रीन ये स्मार्टफोन को अटैच करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी बटन्स वगैरह जो भी फंक्शन है वो एक्सटर्नल डिस्प्ले जो HDMI से आप कनेक्ट करोगे तो उसमें नहीं दिखेंगे। ये जनरली कैमरा में फीचर्स आते हैं, वो फीचर्स यहाँ पे भी हम लोगों ने दिया हुआ है। फिर ऑटो लेंस स्विचिंग का ऑप्शन भी है, मतलब आपके फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के हिसाब से ये अलग अलग आपके सब्जेक्ट को एनालाइज करेगा सेंसर के थ्रू और उस हिसाब से अलग अलग लेंस को यूज करेगा। GIF रीमास्टरिंग का ऑप्शन भी है, मतलब कोई भी GIF अगर आप ये फोन से एडिट करोगे तो उसमें आप शार्पनेस उसका एनहेंस कर सकते हो। यहाँ पे अस्ट्रो हाइपर लैप्स का सपोर्ट भी दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एडिशनल कैमरास इनमें डाले हुए हैं, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। तो एनीबॉडी कैन शूट एस्ट्रो, ये उनका कहना है। प्लस एक्सपर्ट रॉ मोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके हेल्प से अगर आप फोटोज क्लिक करती हो तो पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से एडिट भी कर सकते हो, जिसका रिजल्ट काफी आपको अच्छा दिख सकता है। बाद में यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी है, स्पेशली अल्ट्रा सीरीज में 2x वाइडर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन दिया हुआ है, जो कि इन लोग का एडेप्टिव VDIS टेक्नोलॉजी के साथ में चलेगा। VDIS का फुल फॉर्म जो है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देता हूँ। बाकी मल्टी फ्रेम प्रोसेसिंग फॉर नॉइज रिडक्शन ये भी सपोर्ट दिया हुआ है कैमरा में, जिसके हेल्प से ये मल्टीपल फोटोज लेगा और इसकी वजह से अगर आप किस सब्जेक्ट में समझो, इन लोग ने एग्जाम्पल के लिए बताया था कि गॉगल्स पहना हुआ है तो बैकग्राउंड से वो गॉगल्स को भी ये सेपरेट कर सकता है और उसमें ज्यादा आपको नॉइज नहीं दिखाई देगा, तो ये काफी अच्छी तरह से यहाँ पे ये कैमरा में हैंडल हो सकता है। तो यही था ये तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में डिटेल्स। और भी डिटेल्स अगर मेरे को पता चलते तो उसके बारे में शॉर्ट कम्युनिटी पोस्ट या एक पिंड कमेंट में वीडियो के नीचे डाल दूंगा। बाकी आपको क्या ये स्मार्टफोन्स के बारे में लगता है, आपको क्या ये इन स्मार्टफोन में अच्छा लगा, आप ये तीनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल लेना चाहोगे और क्यों लेना चाहोगे, और अभी आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हो। आपको लगता है ये जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स है ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है तो कमेंट सेक्शन में बकवास स्मार्टफोन्स ये कमेंट लिख देना ये वीडियो के नीचे, मैं भी देखना चाहूंगा कितने लोगों को ये लगता है। बाकी और भी ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए अभी तक इंस्पायरिंग प्रशांत को लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया था फटाफट से कर दीजिए।